भाई इट्स वर्क क्या बात है यार। सो कसका मंडली, आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। सो भाई आज आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास इतनी बैटरीज और ये ग्लास में क्या है। अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये इसमें पूरा गोबर भरा हुआ है और बेसिकली आज अपन ट्राई करने वाले हैं गोबर इलेक्ट्रिसिटी। यार मेरा बचपन से सपना था ना कि यार मेरे को ये एक बार ट्राई ज़रूर करना है और मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ यार प्लीज़ इसे घर पे ट्राई मत करो, पर भाई ये वीडियो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सेल है ना ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, मतलब इसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें पूरी मतलब ज़्यादा नहीं है। सो बेसिकली हम क्या करने वाले वो आपको मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जो बल्ब ये सेल है जो इसमें जाएगा और यहाँ से एक वायर यहाँ पे और यहाँ से एक दो एक वायर निकल के ऐसे कंबाइन करके हम एक वीडियो अपना बनाने वाले हैं। सो बिना देरी के चलते अपने वीडियो की ओर। तो भाई सीन क्या है, ये जो ऊपर के जो सिर है ये अपन को अभी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना ये अगर आ ना तो अपने एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे ये निकाल लेना। सो भाई बेसिकली ये जो बीच का जो रॉड है ये इस वायर को अभी यहाँ पे कनेक्ट करने वाले, सेम इसके नीचे और सेम इसके ऊपर, मतलब प्लस माइनस जो होता है वो काम करने वाले। सो भाई बेसिकली जो अपना फंडा है वो एकदम क्लियर कट हो चुका है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक वायर यहाँ से निकल के नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर यहाँ से यहाँ पे गई है और यहाँ से यहाँ पे गई है। सो ऐसा बेसिकली एकदम सिंपल सा फंडा है। सो अभी आप क्या करेंगे कि ये इसमें तीनों को भी डालने वाले। सो यार देखते हैं यार क्या होता है। तीनों भी यहाँ पे अपने सेल जो डाल दिए हैं। सो अभी क्या है इसमें थोड़ा नमक है, जो नमक भी इसमें, नमक का जो पानी है उसमें हम यहाँ पे डालने वाले, जो कि आपको पता है कि जो नमक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सुवाहक होता है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या होता ये? ओके इसमें थोड़ा ज़्यादा गोबर होगा, ठीक है जी लेको बात। सो अभी यार अपन का जो गोबर इलेक्ट्रिसिटी है वो तैयार हो चुकी है, अभी खाली इसको एक्सपेरिमेंट करना बाकी है कि यार वो सच में कारगर साबित होता है कि नहीं, वो देखने वाले। सो अपने पास एक छोटी सी मोटर है और ये आई थिंक इसमें नहीं होगा, आप ये मोटर यहाँ पर डाल के देखें, वो थोड़ी बड़ी मोटर है। तो इसको ओके पहला तार लग गया भाई, ओके और ये रहा दूसरा। अभी देखते यार होगा कि नहीं, क्योंकि यार बहुत सारे बोलते हैं ना, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने देखे वो सच है कि नहीं ये भी आप ही पता चल जाएगा। मतलब अपन का जो एक्सपेरिमेंट था भाई वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका है और आप भी इसमें घर में ट्राई कर सकते हैं। सो अभी यार जो अपन ने सोचा था वो पूरा मतलब जेन्यून है और ये अभी देख लो आप, कुछ भी फेक शीट कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके सामने ये रियल है। तो अभी ये तो मोटर तो चल गया, अब लाइट जला के देखते हैं यार वो कितना जलता है और कितनी फास्ट चलता है। ओके सो भाई अभी अपने पास एक छोटी LED की स्ट्रिप है, इसको लगा के देखिए। सो भाई अपन ने ये यहाँ पे लगा के, अरे अरे देखो यार, मतलब जो अपन ने सोचा था ना उससे थोड़ा गलत निकला, पर ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। चलो एक छोटा अपने पास और लाइट है वो लगा के देखते हैं। यार अपना जो सेटअप है वो थोड़ा छोटा है इसलिए शायद से वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर ये जल गया था पर ये नहीं चल रहा। अभी अपने पास छोटा लाइट है, ये चला के देखते हैं यार चलता है कि नहीं, वो जलता है कि नहीं। अरे यार मतलब जो हमने सोचा था वो आपको दिखा गया नहीं यार, इतना कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। पर यार अपन में क्या कर सकते हैं, जो छोटा है इसलिए सब कुछ हो रहा है, पर यार ये जो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो यही पे एक बार फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ, पर ये यहाँ पे दूसरा वाला यहाँ पे, मतलब ये जल रहा है पर वो जो है वो नहीं जल रहे। तो ठीक है यार, जो रियल था वो अपन ने यहाँ पे साबित कर दिया है। हाँ अगर आप बड़ा वाला बनोगे तो डेफिनेटली वो जल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।